जब ये कोर्ट के जब ये बात चली थी कि भगवद गीता है ये वास्तव में एक हिंसा बढ़ाने वाली किताब है, बार बार ये व्यक्ति कृष्णा का बोल रहा है युद्ध करो, आलस छोड़ो युद्ध करो, स्वामित्व छोड़ो युद्ध करो, भाई तुम बस युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो। बाद में अर्जुन का व्यक्ति बोला स्यापा मुखाओ चलो युद्ध करो। ये इट इज जस्ट अ बुक ऑफ वायलेंस, दैट्स इट। तो किसी जगह पर तो बैन भी हो गई किताब भगवदगीता बैन, बिकॉज इट्स अ बुक ऑफ वायलेंस। भक्तों ने ये दिखा दिखा कर ये बोल बोल कर ये भगवदगीता बांटी, ये वही बुक है जो बैन हो गई है, वही वाली। रियली दो दो दो, या गिव मी टू। कई दैट वाज कंट्रोवर्सी, तो बहुत बढ़िया है एक्चुअली। कंट्रोवर्सी से व्यक्ति और फेमस हो जाता है। प्रभुपाद जी बोला करते पब्लिसिटी, वेदर पॉजिटिव पब्लिसिटी और नेगेटिव पब्लिसिटी, पब्लिसिटी इज पब्लिसिटी। लाइक सो देवानंद की जो मूवी आई थी दम मारो दम मिट जाएगा, बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम, तो भक्तों ने बोला श्री प्रभुपाद को, प्रभुपाद जी हमारे देखो ये कंट्रोवर्सी आ गई, अब हम तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते, और ये बोले दम मारो दम मिट जाएगा, हम बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम। तो ये तो बहुत ही परवर्टेड हमारी इमेज दिखाई जा रही है। प्रभुपाद जी तब यही बोला था, प्रभुपाद ने कहा पब्लिसिटी वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव पब्लिसिटी इज पब्लिसिटी, और जो है नाम वाला वही तो बदनाम है भैया। और प्रभुपाद ने बोला देखो चिंता की बात नहीं है, धीरे धीरे दम मारो दम का दम निकल जाएगा, हरे कृष्ण रह जाएगा। आज कौन बोलता है हमको दम मारो दम, कोई नहीं बोलता हमको दम मारो दम, ये दम मारो दम का दम निकल गया। हाँ सर ये सब हरे कृष्ण हरे राम ही है, तो जो श्री प्रभुपाद जी ने बोला था वो सच हुआ, दम मारो दम का दम निकल गया। टुडे एवरीवन इज जस्ट डूइंग हरे कृष्ण, दैट्स इट। तो इसलिए कॉन्ट्रोवर्सीज होती है वो व्यक्ति को और फेमस बना देती है, तो इसलिए कॉन्ट्रोवर्सीज है। ओके वेरी गुड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नीताय गौरंगा, नीताय गौरंगा।